नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने हूं। मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब किया ही होगा और उम्मीद करता हूं आप लाइक भी कर रहे होंगे और आपको मेरा चैनल पसंद भी आ रहा होगा। और इस लॉकडाउन में जो आप लोगों को ये महाभारत और रामायण देखने का भरपूर मौका मिल रहा है, तो मेरा कहना यह है कि आप बड़े इत्मीनान से टीवी के सामने आकर इसका पूरा आनंद लें, समझें, कृष्ण के उपदेशों को समझें कि वो अर्जुन से क्या बोलना चाह रहे हैं, भीष्म पितामह किस चिंता में है, गुरु द्रोणाचार्य किस चिंता में है, इन सभी बूढ़ों को दर्द किसका है, बूढ़ों का दर्द न तो आज समझ में आया न पहले समझ में आया था दोस्तों। बूढ़ों का दर्द पहले भी लोगों को नहीं समझ में आया था, यंग जनरेशन उस समय भी थी और आज भी है। पूरी महाभारत में जो बूढ़ी जमात थी, भीष्म पितामह से लेके गुरु द्रोणाचार्य, ये सब जितनी भी बूढ़ी जमात है सबको एक साथ में ले लीजिए आप, सबको एक मायने में हम रख देते हैं। चिंता इनको थी कि हमारी सृष्टि, हमारा साम्राज्य समाप्त हो जाएगा अगर बच्चों के बहकावे में हम चले, अगर हमने युद्ध शुरू किया तो। हम चलते हैं धृतराष्ट्र के पास, उनसे पूछते हैं किसी भी कारण एन क्रकेन प्रकेन ये युद्ध रुक जाए तो कुछ उद्धार होगा, लेकिन जिसकी आंखें अंधी हो वो क्या समझेगा। मोह किसका, बच्चों के प्रति मोह, मां का बाप का अंधा प्रेम, अंधी भक्ति, इसी को बोलते हैं दोस्तों। रिपीट करेंगे हम आगे इसी बात को, आज के लिए मैं विराम देता हूं। नमस्कार दोस्तों।